हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। इसका टॉपिक है कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करें। और फ्रेंड्स, मेरे पास है ओप्पो का फ़ोन। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए थे प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। और फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग है और कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं वो बताऊँगी। फ्रेंड्स, मेरे पास है ओप्पो का फ़ोन और फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग और सर्फ्रेंस डायल पैड को ओपन करना है। और इसके बाद आपको यहाँ दिखेगा करेक्ट और सर्फ्रेंस, आपको यहाँ दिखेगा टू डॉट, आप इस पर क्लिक करें और सेटिंग्स पे क्लिक करें और आपको इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहीं पे दिखेगा कॉल रिकॉर्डिंग, आप इस पर क्लिक करें और इसे ऑन करके रखें। और जब इसे ऑफ करते हैं तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अन नाउ के लिए कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और ऑल कॉल्स के लिए करना है तो इसे ऑन करके रखिए। तो मैं ऑल कॉल्स के लिए ही करती हूँ। और जब भी आपके पास कोई भी कॉल आता है, चाहे वो इन कंपनी का हो या किसी का भी हो, तो आपकी वो जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्डर है वो रिकॉर्ड कर लेगा अपने आप। और जब आप काटेंगे तो आपका रिकॉर्ड भी बंद हो जाएगा, यानी कि वो फाइल में चला जाएगा रिकॉर्डर। और इसे ऑन करके रखेंगे तभी आपका इनकमिंग कॉल के ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होते रहेंगे। और इसे ऑन करके रखने से होगा कि आपका जो भी आपके पास जब भी आपके पास कोई कॉल आएगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा अपने आप ही, आपकी बात जो और जिससे आप बात करें उनकी बात रिकॉर्ड हो जाएंगी। और जब आप रिकॉर्ड वाला सुनना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करें और यहाँ से रिकॉर्डर वाले सुन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग है ये। तो इस प्रकार से कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। रिकॉर्ड करना है इस पर क्लिक करें, यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ऑटोमेटिक। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।